नमस्कार जमाता दी, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। करवा चौथ के पर्व की आप सभी सुहागिनों को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितने बजे निकलेगा चांद, कब होगा चांद का दीदार, हर शहर की बात सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ठीक 4 बजे। आपका ये व्रत सफल हो। अब बात करते हैं कि करवा चौथ के जब त्योहार की बात आ रही है तो पूजा का खास समय होता है। कहते हैं सही विधि विधान और सही समय का अगर हम चुनाव करते हैं तो हमारे किसी भी व्रत की, त्योहार की, खुशियों की, सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। अब जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो रात्रि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंतजार भी कराता है महिलाओं को। लेकिन सुबह की पूजा का भी कुछ खास समय होता है। व्रत कितने बजे शुरू हो जाता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात कि संध्या के समय जो पूजा की जाती है, क्योंकि उसी पूजा का जो जल होता है वो आपने रात्रि में चंद्रमा के अर्घ के बाद ग्रहण करना होता है, और कुछ सामग्रियां जो उसी में से होती हैं जो चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रयोग में लाई जाती हैं। अब शाम का पूजा का समय कौन सा हो और व्रत कितने बजे शुरू हो जाएगा, व्रत कितने बजे से पहले नहीं खोलना चाहिए। कुछ गृहणियां चंद्रमा देखते ही फटाक से व्रत खोलती हैं। तो ये जो महत्व है, तिथि का महत्व, पूरे समय का महत्व, पूजा के समय का महत्व, व्रत खोलने का महत्व, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। योग अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा और वृष राशि का, जहां चंद्रमा उच्च का होता है, वो चंद्रमा है जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत है। योग अच्छे हैं, संयोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूजा में फिर भी कोई चूक नहीं करनी है। किसी भी तरीके की चूक आपको आपके व्रत के मिशन पूरे करने में कहीं ना कहीं पीछे रखेगी। आपने जिस कामना से व्रत किया है, पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वस्थता के लिए, उनकी तरक्की के लिए आपने ये व्रत किया है, लेकिन इसका पूर्ण फल आपको भी तो मिलना चाहिए, ताकि आप ही ने तो व्रत रखा है और आप ही स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। यानी दीर्घायु की जब बात आती है, जो श्रवण करता है किसी बात को उसके ऊपर अगर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो खुद बोलता है, वाणी का प्रयोग करता है, उस पर भी तो उतना ही इंपैक्ट पड़ता है। आप व्रती हैं तो आपकी भी दीर्घायु होती है, आप व्रती हैं तो आपके जीवन में भी खुशियां आती हैं, आप व्रती हैं तो आपका भी भगवान पूरा ध्यान रखता है, और आप जिनके लिए व्रत रखती हैं उनका भी भगवान पूरा ध्यान रखता है। अब चलते हैं बात की चंद्रमा की। जब हम बात करते हैं कि चंद्रमा, करवा चौथ का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट चंद्रमा होता है, और जितना इंपॉर्टेंट होता है इतनी ही इंपॉर्टेंस वो अपनी ज्यादा बढ़ाता है। देर से आते हैं, कितने बजे निकलेगा चांद, कब होगा चांद का दीदार, हर शहर की बात सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ठीक 4 बजे। इंतजार करते रहते हैं आप। चलिए सबसे पहले हम तिथि की बात करते हैं कि तिथि कितने बजे से शुरू हो रही है, क्या पूर्ण तिथि मिल रही है हमें इस बार। हाँ जी, पूर्ण तिथि है इस बार आपकी, उदया से लेकर के रात्रि की पूजा तक की तिथि जो है वो चतुर्थी तिथि है। 13 तारीख को पड़ने वाला ये व्रत बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। सुबह 2 बजे यानी ये 12 की रात्रि, जब हम बात करें रात्रि की, तो 12 की रात्रि पूर्ण होने के बाद सुबह सुबह तड़के तड़के 13 तारीख के 2 बजे ही ये व्रत जो है ये शुरू हो जाएगा, यानी तिथि शुरू हो जाएगी। अब व्रत तो 2 बजे तो उठ के आप तो नहीं कर देंगे सारी पूजा विधि विधान, बट 2 बजे तिथि आरंभ हो जाएगी, जो तिथि 14 तारीख को सुबह सुबह तड़के, यानी 13 की पूरी रात्रि बीतने के बाद सुबह सुबह 3:09 पर समापन होगा। तो कंप्लीट तिथि सुबह से लेकर रात्रि तक की है। अब सबसे बड़ी बात आती है
कि तिथि समापन तो ठीक है, लेकिन हमने व्रत कितने बजे से शुरू करना है, उपवास आपने कितने बजे से शुरू करना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और सुबह भोर से ही ये उपवास जो है, ब्रह्म मुहूर्त से ही ये उपवास शुरू हो जाता है। लगभग 4 बजकर के 28 मिनट से व्रत शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हैं किसी अपनी पूजा विधि विधान में, तो आपको 4:40 से पहले ही व्रत की सारी विधियां शुरू कर देनी है। 4:27, 4:28 का समय बहुत अच्छा है, जहां से उपवास शुरू होता है आपका। अब ये नहीं है कि आपने 5 बजे उठ रहे हैं उसके बाद हम कुछ चीजें विधि विधान करेंगे, तो समझ लीजिए समय को 4:28 से आपका उपवास का जो हो रहा है, जो समय है वो शुरू होगा। लेकिन इसमें एक चीज का खास करके ध्यान रखना है आपने, वो होता है कि हमें बिस्तर छोड़ना पड़ता है समय। कुछ लोग जो हैं इस पूरे विधि विधान को करते ही नहीं है, और पूरे विधि विधान करना जरूरी होता है। किसी भी व्रत को पहली नींव भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें बुनियाद पूरी खड़ी होनी है जो आपने पूरा दिन का व्रत करना है, क्योंकि निर्जल व्रत की अलग मान्यताएं होती हैं। और अब आती है बात की रात का चंद्रमा। रात के चंद्रमा को तो हम अभी बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा है इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं और हम भी इतनी जल्दी बताएंगे नहीं, परीक्षा की घड़ियां तो अभी पीछे हैं। अब हम बात करते हैं कि शाम का जो पूजा का एग्जैक्टली समय होगा, तो आपने किस समय पूजा करनी है। सूर्य अस्त के आसपास का समय बड़ा दैवीय समय होता है, वहीं उसी समय के आसपास गोधूली वेला भी बनती है और साथ में जुड़ने लगता है प्रदोष का काल भी। आप देखिए, दोष रहित काल, जिसका कोई दोष ही नहीं लगता हो, वो काल भी जुड़ता है और साथ साथ में गोधूली वेला भी होती है, और सूर्य अस्त का जो ये पहर जुड़ता है, जहाँ एक पहर से हम दूसरे पहर की तरफ भी जंप करते हैं, जिसे हम कहते हैं संध्या का पहर कहते हैं, ज़्यादातर अमूमन घरों में हम नॉर्मली इसे संध्या का पहर कहते हैं। तो ये समय जो आपकी पूजा का समय है, सज लिया, तैयार हो लिया, चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे इकट्ठी कर ली, लेकिन समय अगर आप चूक गए हैं तो समय का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ चूक की गुंजाइश नहीं है। शाम को 5 बजकर के 44 मिनट से लेकर के 44 मिनट से लेकर के 5 बजकर के 44 मिनट संध्या के शाम के आपने इस पूजा विधि विधान को शुरू कर देना है। और ये समय आपका जो जाएगा, ये 6 बजकर के 58 यानी आपके 6 बजकर के 58 मिनट 6:58 तक जाएगा। 5 बजकर के 44 मिनट से लेकर के 6 बजकर के 58 मिनट 6:58 तक का समय है, जब आपने बीच में ही पूजा विधि विधान करना है। अब ये नहीं कि 4 बजे तैयार हो गए तो 4 बजे पूजा कर ली, अगर 8 बजे तैयार हुए तो 8 बजे ही पूजा करें, जिसे हम कहते हैं करवा बदलना, इसे हम करवा बदलना भी कहते हैं, थाली घुमाना भी कहते हैं, इस समय संध्या की पूजा भी कहते हैं, करवा की थाली पूजा भी कहते हैं, यानी बहुत सारे इसके नाम से जाना जाता है। तो करवा घुमाना, थाली घुमाना और संध्या की पूजा के महत्व को अगर आपने बहुत सफल बनाना है, तो आपको समय का चुनाव जो है, पूजा के समय का चुनाव यही करना है। इसी समय आपने अपनी पूजा में बैठ करके पूरी विधि विधान से जैसे पूजाएं की जाती हैं, तो आपने इस पूजा को सफल बनाना है। और इसी में जो जल, करवे का जो जल होता है, वही जल पी करके आपने अपने व्रत को पारण करना होता है। कितने बजे निकलेगा चांद, कब होगा चांद का दीदार, हर शहर की बात सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर ठीक 4 बजे हम बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे हम। करवा चौथ के उपलक्ष्य में हम गृहिणियों के लिए तो खूब सारे त्योहार के तोहफे लेकर के आते हैं, समय, चंद्रमा का समय, बहुत सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आपने सारी वीडियोस को जरूर देखना है, और जिस कामना से आपने व्रत करना है,
जिस कामना जिस भाव से आपने व्रत करना है वो भाव आपका पूर्ण हो, सफल हो, क्योंकि तिथि अच्छी है, पूर्ण है, वार शुभ है इस बार, और साथ के साथ चंद्रमा भी बहुत ही शुभ योगों में है। रोहिणी नक्षत्र का ही चंद्रमा है और दूसरा वृष राशि का चंद्रमा, तो योग अच्छे बन रहे हैं, संयोग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आपने पूजा विधि विधान सही समय पर करनी है। मेरी इस वीडियो को हर गृहिणी तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि गृहिणियाँ सजने में बड़ा समय लगा देंगी, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि पूजा का समय निकल जाए। ध्यान रखिएगा, पूजा सही समय पर ही करें ताकि आपका ये व्रत सफल हो। आपको मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं करवा चौथ के इस पावन व्रत की। नमस्कार।